नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। औरैया में थाने में भाजपा नेता ने कोतवाल को धमकाया, बेटे को थाने में बैठाने पर हुए नाराज, सीओ के सामने कोतवाल को दी गाली। औरैया में बेटे को थाने में बैठाने पर भाजपा नेता अपना आपा खो बैठे। उन्होंने सीओ के सामने कोतवाल को धमकी दी, साथ ही गालियां भी दी। मामला रंगदारी मांगने का था, जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ। विवाद जातीय संघर्ष में बदलने लगा। पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोप में 5 नामजद और 60 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जिन पर मुकदमा हुआ वो सभी ठाकुर बिरादरी के हैं। मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह के बेटे जिला पंचायत सदस्य कर्मवीर सिंह ने सभी को छोड़ने की सिफारिश की, जिस पर कोतवाल ने उसे भी थाने में बैठा लिया। इसके बाद दीपू सिंह समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचे। उन्होंने कोतवाल संतोष अवस्थी पर जातिगत काम करने का आरोप लगाकर जमकर अभद्रता की। कोतवाल और पुलिस बैकफुट पर बनी रही। कोतवाली में घंटों ये हाई वोल्टेज ड्रामा चला। किसी ने इसका वीडियो भी बना लिया और वायरल कर दिया। लोगों से करते थे मारपीट। शनिवार की देर शाम शहर में कुछ अराजक तत्वों ने कई लोगों से मारपीट की, जिसमें रंगदारी न होने पर मारपीट की बात सामने आई। इस मामले में अर्जुन दीक्षित ने तहरीर दी थी कि उसका गेस्ट हाउस है। 6 माह पहले सनी चौहान ने अपने साथियों के साथ आकर तमंचा दिखाकर रंगदारी मांगी थी। वो डर के कारण हर महीने रंगदारी दे रहा था। इस महीने रुपए नहीं दिए तो सनी, सूरज सिंह, अर्जुन, राजदीप, ब्रिजभान समेत 50 से 60 लोगों ने उसके गेस्ट हाउस कर्मचारियों के साथ मारपीट की और फायरिंग भी की। गिरफ्तार होने वाले ठाकुर जाति के थे। इसी प्रकार रंगदारी की दूसरी शिकायत रुदौली गांव के अनुराग दीक्षित ने बताया कि उनसे भी शनि, राजदीप और ब्रिजभान ने तमंचा लेकर घेरा। 2 महीने से रंगदारी न देने पर पीटा, किसी तरह उसने जान बचाई। कोतवाली पुलिस ने नामजद समेत 60 पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें कुछ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अधिकतर आरोपी ठाकुर जाति के थे। वीडियो के आधार पर दर्ज होगा केस। बेटे पर कार्यवाही के बाद दीपू सिंह अपना आपा खो बैठे। उन्होंने कोतवाल को भंगी तक कह डाला। उन्होंने जातिगत काम करने का आरोप लगाकर जमकर अभद्रता और गाली गलौज की। इस दौरान सीओ सुरेंद्र नाथ भी पहुंच गए। कोतवाली में कई घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सीओ सुरेंद्र नाथ का कहना है कि वीडियो की जानकारी मिली है, वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। अभी बात कर लो, मैं थाना छोड़ कर नहीं जाएंगे। ये अवस्थी यहाँ कोतवाल बहुत भंगी है। अरे रिश्वत ले, ये रिश्वत खाता है, ये भ्रष्ट है। हम थाने में बैठे हैं, बहुत बड़ा बवाल होगा। 35 लोग, इसलिए तुम्हें अंदर करना पड़ा। ये पंडित बात दिला रहा है, एप्लीकेशन दी मेरे नाम की। ये आप बात कर ले, प्रमोद बात को लगाओ, फिर सांसद को लगाओ। देखे तुम कितने बड़े रिश्वत खोरी हो और कितने बड़े तुम पंडित बाग हो। बुलाओ औरैया के पंडितों को, औरैया के पंडितों को बुलाओ। अभी जेल हुई है और बुलाओ पिया थी, चलवाओ लाठी। अपराधी साला जितने हैं वो थाने के भीतर बैठा थे। इनका संज्ञा गड़ा थोड़ा खिंचा देने पाना पिला। हेलो, बुलाओ आप अपराधियों को, बैठाओ यहां, निकालो रिश्तेदारी, खाओ जाए लोगों के पराठे, पियो जाए कॉफी, चलाओ चकला खाना। अभी हम समय खत्म करते हैं भाई, हम लोग चलो यही है, सब जने आए हैं भाई, आए हैं। हेलो, ओ हाय कोतवाली, मैं बताइए। हेलो, हाई कोर्ट वाले ना जी, बोलो मंडले वाले ना, ठीक है। हाँ उनको बता दीजिए। अरे ये अधिकारी का तुम क्यों बात कर रहे हो, जितना अधिकारी बिल्कुल। हेलो, थाने में कोतवाली में भैया? ना ना, एक तो पहली बात ये थी कि मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, परिचित नहीं थे। दूसरी चीज ये, आप सर ने खूब कहा, सब लोग बोल रहे थे, झगड़ा किया था उसमें, उन लोगों ने शिकायत की, यहाँ आए थे शिकायत करना, मुकदमा। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज।